Hey guys, welcome to my fresh new vlog. Today is Sunday and we are back again on road with a breakfast ride organized by Pune East. So आज का जो मीटिंग पॉइंट है वो पुणे ईस्ट के बिगलिंग शोरूम में है, बट वी आर नॉट गोइंग ओवर दैट. हम वाकड़ में एक पेट्रोल पंप है शेल का, वहाँ पे जाएंगे. वो घर के पास है और हमें आज लोनावला जाना है, सो काफ़ी ईजी रहेगा वहाँ जाना. टाइम हो गया अराउंड 6:36 और वी आर ऑलमोस्ट लेट हमेशा की तरह, और हमारा टाइम है 6:45 या 6:50 तक हम शेल पेट्रोल पंप पहुँच जाएंगे. फिर वहाँ से हम बाकी जो राइडर्स आ रहे हैं उनको ज्वाइन करेंगे और फिर वहाँ से अपनी राइड स्टार्ट होगी. तो चलो देर नहीं करते हुए लेट्स गो बैक टू बाइक. और यहाँ पे सामान वामान देखिए मेरा सब आज मैं ले जा रहा हूँ, क्योंकि रेन लाइनर और रेन कवर है मेरे पास इसमें. बाकी आज बारिश होने की चांसेस हैं, सो वी आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क. और चलो बस चले अब जल्दी से. हमको पहुँच रहा था 6:45 पे इनिशियल प्लान ऐसा था. चलो कोई बात नहीं, लेते हैं बजरंग बली का नाम और चल करते हैं आज की राइड स्टार्ट. पता नहीं कि आज हमको बहुत लेट होगा वहाँ पहुँचने में, और वो रोड खाली रहेगी. सुबह आज पहली बार ऐसा है कि मैं बहुत लेट निकल रहा हूँ. इतनी लेट मैं कभी नहीं निकला. जो मॉर्निंग राइड्स हैं उस पर मैं मैक्सिमम 5:30-6 बजे तक निकल गया हूँ घर से. आज तो पूरा सूरज आ गया है, बढ़िया सवेरा हो गया है, फिर अपन निकल रहे हैं यहाँ से. बस छोटे मोटे वीडियोज़ में बनाने हैं, जैसे मेरा आइटनरी क्या था, मेरा टोटल कॉस्ट क्या था, उन सब पे वीडियोज़ आएंगे. आलस इतना आता है, काम इतना है कि थोड़ा सा नहीं हो पा रहा मैनेज. बट वीकेंड राइड कर रहे हैं तो वीकेंड राइड के व्लॉग पहले मैं डाल दूंगा. इस राइड का पहले ही आ जाएगा व्लॉग. सो द बेस्ट वे टू गो इंदिरा कॉलेज इज़ टू टेक दिस रोड, बिकॉज ये हम भूमकर चौक से निकल जाएंगे. मेरे ख्याल से ये वही है क्या. गए दिख नहीं रहा कोई. नहीं 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 गए नहीं अभी. अभी तो नहीं गए होंगे यार, अभी तो खेल शुरू हुआ है. अभी तो 6:45 ही हैं. इधर आ जाओ. बड़ा ग्रुप एक गया है, शायद आरी का हो सकता है या दूसरा कोई ग्रुप होगा, बट अभी तक अपना ग्रुप नहीं गया. टिल हियर सी गाड़ियां देखो भाई. भाई साहब कावासाकी. यहाँ पे 8-10 लोग ही थे. ज़्यादा क्वांटिटी में आज मुझे अभी हाईनेस दिखी है. मतलब टोटल अराउंड 60 राइडर्स प्लान थे इसमें, और मेरे ख्याल 30-40 गाड़ियाँ तो आराम से होंगी यार. चलो देखते हैं, आगे चलते हैं, खड़े होंगे शायद, और देखते हैं कितने आए हैं आज राइडर्स. तो हाईनेस देखो जब चलती है ना तो अलग ही फील देती भाई. इधर कट 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 आती जो आवाज़ है ना एग्जॉस्ट की, बहुत प्यारी है ये साली वॉबलिंग. चलो पकड़ तो लिया, बढ़िया, गुड गुड गुड. राइडर्स देखो भाई, खतरनाक लाइनअप है. खतरनाक भाई. टाइम हो गया है 7:31. मैं फालतू में परेशान था, जल्दी चलो यहाँ आधा घंटा खड़ा रहना पड़ा. कोई बात नहीं, हम अपने टाइम से चलते हैं. और अब हम यहाँ से सीधा चल रहे हैं लोनावला, और जो कि एक ड्यूक्स रिट्रीट पे एक इतना नॉइज है भाई. एक रिजॉर्ट है जो इन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए बुक किया है, ड्यूक्स रिट्रीट रिजॉर्ट करके लोनावला पे, और हमको वहीं जाना है फिलहाल. अभी राइडर काउंट में एक बार जब कहीं गाड़ी रुकेगी तो मैं एक बार काउंट करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 50+ राइडर्स हैं इस राइड पे, जो कि काफ़ी अच्छा संख्या है एक ऐसी मॉर्निंग राइड के लिए. ये है वीकेंड राइड्स, और फिलहाल अभी सारी जो बड़ी राइड्स हैं वो बंद है. जैसे ही मॉनसून आएगा उसके बाद अपनी बड़ी राइड्स अब चालू हो जाएंगी. जैसा मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द मॉनसून टू स्टार्ट, उसके बाद ही तो महाराष्ट्र में नज़ारे हैं भाई. पुणे में अगर बारिश में अगर आपने नहीं घूमा तो आपने क्या घूमा, ऐसी है. लोनावला ही रुकना है डायरेक्ट ब्रेकफास्ट पॉइंट पे, दैट इज़ द प्लान. इतनी बढ़िया थंप आपको सुनाई दे देगी ना गाड़ियों की, पूछे मत. उस डाले हैं कामशेद पहले आएगा फिर लोनावला, बट शहर की जो ट्रैफिक वो पीछे जा चुका है. आज काफ़ी भीड़ होने वाली है क्योंकि आज है संडे और हमारी राइड्स होती हैं संडे को.
काफ़ी भीड़ मिलती है, एक्सपेक्टेड है लोनावला में। और अगर हम टाइम से नहीं लौटे तो क्या होता है कि लोनावला का जो सर्किल है ना, वहाँ पर बहुत तगड़ा जाम लगता है, गंदा वाला। मुंबई पुणे की सारी पब्लिक लोनावला की तरफ भागती है। फिलहाल बारिश नहीं है, बट हम प्रिपेयर्ड हैं भाई, रेन कवर और सब लेके आया हूँ मैं। मेरी हाइनेस को पता नहीं क्या होगा, इतना ज़्यादा इसमें अंडुलेशन वो हो रहा है, वॉबलिंग इतनी गंदी वॉबलिंग हो रही है, पूछो मत। बट उसका एक ये कि आप हाथ पकड़ के चलाओ तो कुछ होना नहीं है, मतलब। लेकिन हाथ छोड़ कर चलाना भी क्यों है भाई, इतनी लाइफ को वो नहीं करना है कि भैया एकदम रिस्क और डेयरिंग वाली लाइफ चला है। नॉर्मल से आराम से चलते रहो, हैंडल पकड़ के, तो कोई दिक्कत नहीं होती वॉबलिंग में। और ऐसा कुछ नहीं लगे, ऐसी वॉबलिंग भी नहीं है कि आपको लगे कि आपकी हाथों पे ऐसा 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 कुछ हो रहा है, नो, एकदम स्मूथ स्ट्रेट। थोड़ा सा वॉबलिंग है, लेकिन ये देखो अभी नहीं हो रही, लेकिन छोड़ो, वो आदत है ना एक बार थोड़ी हल्की सी हैंडल छोड़ के देखने की। ये देखो ये हल्की सी है वॉबलिंग, अगर थोड़ी सी स्पीड और ज़्यादा होगी तो वॉबलिंग थोड़ी और आपको समझ में आएगी, लेकिन अभी उतनी नहीं समझ में आ रही है, बट है वॉबलिंग है। लेकिन दो लेन डिसिप्लिन लेन बन नहीं पा रही भाई लोगों से। अरे भाई दो लेन में चलो ना, सीधे से आराम से चलो, कहीं भागना नहीं है। सबकी गाड़ी बराबर सीसी की है, सबकी 350 सीसी है। किसी को ये नहीं दिखाना कि मेरी में ज़्यादा पावर है, मैं ज़्यादा भगा पाऊँगा या मैं ज़्यादा स्टंट मार पाऊँगा। आराम से चलो भाई, सेम लेन डिसिप्लिन फॉलो करो। अगर वो दो बंदा बोल रहा जो गाइड है तो दो लेन बना के आराम से चलो ना, लेकिन नहीं। पहल अपने से होती है तो अपन तो भाई एक लेन में चलेंगे, नो ओवर स्पीडिंग, नो टेक ओवर। ये पता कैसी फील आती है एक रील बनाऊंगा इसकी, तो मैं आपको वो बताऊंगा किस तरह का जो फॉर्मेशन होता है ना, ये कैसा लगता है। रील देखना आप लोग, मजा आएगा। किसी बदली है, बादल है काले लेकिन आसमान थोड़ा साफ है, तो बारिश की आज संभावना बहुत कम। मैंने वेदर रिपोर्ट जो चेक किया था उसके हिसाब से दिखा रहा है भाई कि लोनावला में बारिश हो सकती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मौसम थोड़ा साफ ही है। काफ़ी अच्छा प्लीजेंट मौसम है राइड करने के लिए क्षेत्र। और मानसून में आप आएंगे ना तो यहाँ से आपको चारों तरफ से झरने देखने को मिल जाएंगे। जितने जितने दरारें दिख रही ना, वहाँ सब से पानी निकलता है, ये सब छोटे 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 झरने बन जाते हैं यहाँ पे। ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया भाई, मज़ा। ये होता है फील जब आप इतने लोगों के साथ जाओ ना, और ये जब टर्न जाते हैं, ओए होए, एक साथ जब गाड़ियां मुड़ती हैं यूं और यूं, उसकी फीलिंग तो बता ही नहीं सकते आप, जब एक साथ सारे टर्न होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था इसके बारे में, बैकरेस्ट के बारे में। सो पीछे का पूरा फाइबर बॉडी है, काफ़ी स्ट्रांग है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, प्रीमियम फील देता है आपको, क्योंकि प्राइस भी इसका बहुत प्रीमियम है। 3,500 रुपये के आसपास का कुछ ये आता है, जो कि मार्केट में अगर आप नॉर्मल लेने जाओगे, जैसे मेरा है, 1200 रुपये में ही आ गया है, बट वो इतनी प्रीमियम फील नहीं देता जितनी ये दे रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्या ज़रूरत है, आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। क्योंकि होंडा की काफ़ी सीरीज अच्छी अच्छी आ गई हैं, कुछ सीरीज़ मेरे दिमाग में है जो मुझे लगाना है, बट अभी नहीं, अभी तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी कोई राइड नहीं है। राइड से पहले वो सारी तैयारी अपन करेंगे एक बार। माहौल बन गया बारिश का, अब हम लोनावला बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, मतलब मेरे ख्याल से 10-15 मिनट और लगेगा और हम पहुँच जाएँगे। अब रिजॉर्ट का मेरे को आइडिया नहीं है कि कितना दूर है, बट मेरे ख्याल से बारिश होगी। पूरा माहौल बना दिया भाई, बादल एकदम आ गए काले। हाँ, वाइज़र हटा के देखो थोड़ा सा, हवा कितनी ठंडक है यहाँ समझ में आता है। लेकिन क्या, अगर वाइज़र हटा देता हूँ तो बोलते टाइम बहुत ज़्यादा एयर फ्लो आएगा, आपको उतना कुछ सुनाई नहीं देगा, इसलिए वाइज़र लगा के ही चलते हैं। लोनावला से पहले, ताकि जितने पीछे राइडर्स हैं वो आ जाए एक बार, सब एक साथ हो जाएंगे, फिर अपन निकलेंगे। राइडर्स की संख्या देखो आप ज़रा, और गाड़ियों पर भी फिलहाल गिन लेता हूँ, देखता हूँ कितनी गाड़ियाँ हैं आज। 3, 2, 5, 6, 7, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, अराउंड 50 बाइक्स यार। कैसे हो सर? कैसे हो? बढ़िया। वो पीछे रह गए आप? आराम से चल रहे एकदम? चलो बढ़िया है। अच्छा, आपने झंडा लगा रखा है क्या? ये क्या का झंडा है? द बाइकर्स कोड, वाह।
ये देखो स्ट्रीट, ये देख रहे हो सारे राइडर्स, और इन लोग का रिजॉर्ट हमेशा जब बुक कराते ना बढ़िया ही कराते हैं यार, ये तो मैं मान गया। पुणे ईस्ट के साथ जाओगे ना या पुसी के साथ भी जाओगे तो भी अच्छा रिजॉर्ट ही बुक होता है। अब यहाँ पे देखो पार्किंग की क्या व्यवस्था है, सीधा चलना है अपने को या इधर चलना है, ओके सो इट सीम्स अपने को ऐसी पार्क करनी है, आगे चलना है, ओके किधर लगाना है गाड़ी, इधर पचास के ऊपर गाड़ियां भाई यहां नहीं आ पाएंगी, सारी गाड़ियां तो नहीं आएंगी, उधर ही लगानी पड़ेगी। धन्यवाद तरक्की करो आ गई कॉफी आ गई, थैंक यू भाई, आ जाओ हे काढायचं आणि हे खालून बेंड करून घ्यायचं इथे, अच्छा ये ओके एंड दिस वन ही पाइप आहे एक्चुअली एंड ओवर हियर ही हैज डन दिस वन बफिंग करके और राउंड कर दिया, यस फोकस अमेजिंग, ये हेडलाइट के आगे है ना, लेकिन ये कौन सा लगवाया आपने मैडॉग का, अल्फा है ना, अरे बहुत तगड़ा है ये, बहुत तगड़ा है, इसकी जितनी यहां पे था इतनी जरूरत है क्या अल्फा की, ये लगाया मैंने, करना है तो एक बार करना है नहीं तो नहीं करना है। वी हैव ऑलमोस्ट डन विद द ब्रेकफास्ट और अब सब लोग वापसी की तैयारी में लग गए हैं, ये देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो सारे राइडर्स हमारे इकट्ठा हो गए यहाँ पे, नाउ वी आर मूविंग बैक, तभी ये देखो जाते हुए मौसम काफ़ी अच्छा, हवा काफ़ी ठंडी है एंड इट्स टाइम टू गो नाउ, शाबाश बाइक देखो कितनी बढ़िया दिख रही है,
आगे हमारे और भी बाइकर्स हैं, थोड़ा सा स्लो चलेंगे और जैसे ही हमारा ये ख़त्म हुआ लोनावला उसके बाद अपन थोड़ा सा फास्ट पेस करके निकाल देंगे गाड़ी, क्योंकि लोनावला में होगा काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक। ऐसी प्यारी आवाज़ है ना, तीन चार हाइनेस हो ना एक साथ चल रही हो तब तो की ट्रैफिक में ये एक्सपेक्टेड रहता है। जब भी राइट से आप वापस जाओ तो यहाँ ट्रैफिक मिलना ही मिलना है, क्योंकि जनता जो है ना लोनावला आके रुकती है फ्राइडे सैटरडे और संडे को दोपहर तक चेकआउट हो जाता है। रोड और अच्छा मौका गाड़ी भगाने का। हम फिलहाल लोनावला से काफ़ी आगे आ गए हैं, कामशेद पहुँचने वाले हैं और ये यहाँ पे बेटन जॉय करके जो है अपना अम्यूजमेंट पार्क वाटर पार्क ये है और ये रोड काफ़ी खुला स्ट्रेच रहता है, वो मज़ा नहीं है राइड में। ग्रुप मिलता है, बात होती है, अच्छा सब वो सब बढ़िया, लेकिन जो राइड का ठंडे मौसम में जो राइड का मज़ा है ना वो अभी थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है। या रोड खुली हो तो आप भगा लो अच्छे से तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। जैसे ये रोड खुली है, गाड़ी मेरी अब 100 पे है, 90 पे है और अब हम इसको 100 पे लेके चलेंगे। यहाँ पर थोड़ा टर्न है संभाल के वर्सेस, यार संडे को ऐसे ऐसी गाड़ियाँ दिखती ना, आप निकल जाओ ये मुंबई पुणे हाईवे पे, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ दिखती हैं आपको कि मज़ा ही आ जाता देख के। फिलहाल गाड़ी 70-80 पे चल रही है, सॉरी 90 पे आ गई और अब हम आने वाले हैं 100 पे। थोड़ा सा झुकेंगे और गाड़ी को फुल थ्रॉटल दे देंगे। ये गाड़ी अब आगे 100 पे, चल 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 खींच खींच खींच, आगे वाला नहीं रुकना चाहिए। ये देखो आप देख सकते हो कि 100 पे गाड़ी चल रही है, बड़े प्यार से क्रूज कर रही है, मक्खन है ना ये 100 पे। नेकेड स्ट्रीट लोग चलाते हैं 100 पे ऐसे बढ़िया तरीके से, ये देख रहे हो आप, बस पकड़ के बैठे रहो गाड़ी पे, आपका थोड़ा सा कंट्रोल है ना तो आप आराम से चला ले जाओगे। 1 गियर 2 और ये चौथे पे बस पकड़ते ही जैसे 90 पे आएगा 5वां लगा देंगे और ये रेडी। यार ये थोड़ा सा और स्ट्रेच होता है ना तो मजा आता। देखो 100 पे फिलहाल बढ़िया भागते हुए गाड़ी, तो ज़्यादा देर चलनी पड़ेगी और ये बस अब यहाँ पे आ गया रोड डाइवर्जन, अब यहाँ पे हम 100 से नीचे उतारनी ही पड़ेगी। 1 बहुत सही गाड़ी चल गई भाई, 11 बजे हम निकले थे, सोचे थे 12 बजे तक पहुँच जाएंगे घर, 11:35 हो रहा है और अपन पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट फेज 1। यहाँ से 10 से 15 मिनट और लगेगा और हम अपने समय से बहुत पहले पहुँच जाएंगे। यार ऐसी गाड़ी भागी है ना 70-80 पे, दादा चलाओ। हमारा स्टैंडर्ड वी हैव रीच्ड एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, आपको बोलेंगे अलविदा। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।